हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्दियों में होने वाली ज्यादातर ये तकलीफ, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ना या हार्ट प्रॉब्लम आ जाना, नसों में दर्द रहना, नसों में ब्लॉकेज आ जाना, तो इन सबको आप घर पर रहकर बिना किसी दवाई से, सिर्फ घर की चीजों से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, ये अजमाया हुआ है और इतना परफेक्ट है, आपकी ये प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, सिर्फ उसी तरीके से आपने इसे फॉलो करना है ताकि आपको सारे फायदे मिल सके। इस नुस्खे का इस्तेमाल हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो युवा है, बुजुर्ग है, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर की चीजें हैं, इनके कोई नुकसान नहीं है और बहुत ही नेचुरल है। दोस्तों, आज के समय में लोगों को कम उम्र के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, जैसे कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ना, नसों में ब्लॉकेज आ जाना। और ये बुरा कोलेस्ट्रॉल, ये नसों में ब्लॉकेज जो है, ये और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देता है। ये नसों को इतना कमजोर कर देता है कि वेरिकोज वेन की समस्या आ जाती है, या फिर दिमाग की नसें कमजोर पड़ जाती हैं, या हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चाय बनाने का तरीका बता रही हूँ, जिसको अगर आप रोजाना बनाकर लेते हैं तो आपकी ये सभी समस्याएं बिल्कुल बिना किसी दवाई से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ये नुस्खा बताने से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप बहुत मोटे हैं, अपनी आइडियल वेट पर आना चाहते हैं, या बहुत पतले हैं, अपने मसल वेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिख कर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस चाय को आपने कैसे बनाना है। इसमें जो सबसे पहली चीज इस्तेमाल की जा रही है वो है दालचीनी। दालचीनी का सिर्फ और सिर्फ आपने 1/4 चम्मच ही दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर मैं दालचीनी की बात करूँ तो दालचीनी हमारे शरीर में से खराब कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करना शुरू कर देती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर के तनाव को, स्ट्रेस को दूर करते हैं और स्पेशली LDL कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर की सूजन को दूर करने का काम करती है दालचीनी। वैसे तो दालचीनी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर किसी को हाथ में नंबनेस रहती है, या जोड़ों का दर्द रहता है, या फिर डायबिटीज की समस्या रहती है, तो उन सभी के अंदर दालचीनी लेना काफी अच्छा है। लेकिन इसका मात्रा का ध्यान जरूर रखिएगा, 1/4 चम्मच से ज्यादा एक दिन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, दूसरी चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लहसुन। लहसुन की हमने सिर्फ यहाँ 1 से 2 कली ही लहसुन लेनी है। ये शरीर में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो दूर करने का काम करती ही करती है, साथ ही साथ ये हमारे खून को साफ कर देती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को, ब्लड के फ्लो को बेटर कर देती है। इसके साथ साथ ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करती है। हार्ट प्रॉब्लम अगर है तो उनके लिए लहसुन खाना काफी अच्छा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे BP की प्रॉब्लम कभी कभी रहती है, ज्यादातर नहीं होती, तो लहसुन का सेवन पानी के साथ करना शुरू कर दीजिए, आपकी वो कभी कभी रहने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज जो इस्तेमाल की जा रही है वो बहुत ही साधारण है, और वो है नींबू का रस। सिर्फ और सिर्फ आपने 1 चम्मच ही नींबू का रस लेना है। ये हमारी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, साथ ही साथ नसों के अंदर और धमनियों के अंदर जमे हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर कर देता है। ये नींबू का रस हमारी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर देता है और हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी हार्ट डिजीज है, या फिर नसों की जितनी भी दिक्कतें आती है, नसों के अंदर प्लाक जमने की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, ये उनको भी दूर करने का काम करता है। अब जान लेते हैं कि हमने इस रेसिपी को तैयार कैसे करना है। ये रेसिपी को आप बनाकर नहीं रख सकते, लेकिन आपको इसे रोज बनाना होगा। लेकिन ये 5 से 7 मिनट में बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आप इसका ताजा सेवन करेंगे तो आपका टाइम जरूर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आपने एक बर्तन लेना है और उसे गैस के ऊपर रख दीजिए। उसके अंदर आपने 1 कप पानी डाल देना है। बाद में इसके अंदर जो हमने 2 कली लहसुन ली है, इसे किसी भी भारी चीज से कूट लीजिए, यानी क्रश कर लीजिए, और इसी पानी के अंदर डाल दीजिए उबलने के लिए। उसके बाद हमने 1/4 चम्मच जो दालचीनी पाउडर लिया है उसको भी इसी पानी के अंदर डालना है। दोस्तों, अब पानी को उबाला आने दीजिए। जब पानी को उबाल आ जाए तो इसे छान लीजिए। छान कर ये जो गिलास बना है, जो ड्रिंक कह सकते हैं या चाय कह सकते हैं, ये तैयार हुई है। इसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। गरम गरम इसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, यानी कि गुनगुना रह जाए, तो इसके अंदर आपने जो 1 चम्मच नींबू का रस है
वो डाल देना है। और खाली पेट दिन में कभी भी इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट 1 से 2 दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए एक चीज जान लीजिए, परमानेंट रिजल्ट लेना हो तो इसका इस्तेमाल भी थोड़ा लंबा करना पड़ता है, यानी कि कम से कम 1 महीने तक इसका इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। तो ये आपकी दिल से संबंधित समस्याओं को या मांसपेशी में होने वाले दर्द को या नसों में होने वाली कमजोरी को दूर कर देगा। ये आपके खून को साफ कर देगा। इसके अलावा हाथ पैरों में होने वाला सुन्नपन है, झिनझिनाहट है, उसको भी दूर कर देगा। मांसपेशियों में अगर दर्द रहता है या आपको गठिया की भी शिकायत हो चुकी है तो उसमें भी ये काफी काम करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जिनको भी गठिया की शिकायत रहती है वो लोग इसके अंदर नींबू का रस नहीं डालें, वैसे ही इसका सेवन कर लें। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।